जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो बाबा जी की। जय बोले बाबा जी। ये एक दिक्कत आ रही है, मैंने ऑनलाइन परमिट अप्लाई किया था चार लोगों का हमारा, तो चार में से तीन परमिट डाउनलोड हो गए और चौथा जो है उसमें एक दिक्कत ऐसी आ रही है कि वो इनवैलिड परमिट नंबर करके हो नहीं रहा है, लेकिन उसका मैसेज मुझे आ चुका है कि एक्सेप्टेड करके पेमेंट करो। तो जब मैं पेमेंट करने के लिए जाता हूँ तो इनवैलिड परमिट नंबर आ रहा है। ये कल भी कॉल किया था आपने मुझे? नहीं नहीं, मैंने आज ही कॉल किया। तो सर ये कॉल कल भी, दो तीन कॉल आए ऐसे इस तरह के ना कि पेमेंट के लिए जा रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि परमिट नंबर सही डाला है, तो कह रहे परमिट नंबर भी सही डाला है। तो मैं कहा ऐसे नहीं होना चाहिए, एक बार फिर ट्राई करो। कैसे दो तीन बार ट्राई किया तो मैं कहा नेटवर्क का इशू होगा, हो सकता है, और नहीं है तो जो परमिट नंबर आपने डाला है और उसका अप्रूवल मिल गया है वहां से, तो ये जानू कि आपका परमिट तो बुक हो गया है, लेकिन पेमेंट का ऑप्शन आएगा जब भी प्रिंट आउट कर पाओगे ना, पेमेंट आपसे हो नहीं रही है। बराबर है। तो उसके लिए आपको एक बार श्राइन बोर्ड में ही कॉल करके बताना पड़ेगा, फिर उनकी टेक्निकल टीम देखेगी कि क्या हुआ है ना। और डबल का पता नहीं रिप्लाई कब तक आएगा आपको, तो कम से कम बना हुआ है। कौन सी तारीख का कर रहे हैं आप? मेरा 5 तारीख का है सर। तो 5 तारीख तो काफी परमिट पड़े हैं अभी ना, तो एक बार श्राइन बोर्ड में बात कर लीजिए उनकी टेक्निकल टीम से, जैसा भी है तो आपको कंफर्म कर देंगे। और फिर नहीं होता तो फिर दूसरा फिर ऑप्शन यही है कि इसकी पेमेंट मत कीजिएगा और फिर नया अप्लाई कर दीजिएगा, और क्या। ओके ओके। अच्छा प्रभु जी, बालताल से जाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, क्योंकि हम सब सीनियर सिटीजन से। सर खड़ी चढ़ाई है, पैदल यात्रा करेंगे बालताल से आप? नहीं सर, हम एक तो घोड़े के ऊपर या हेलीकॉप्टर से। फिर क्या दिक्कत है, फिर तो दिक्कत मतलब ही नहीं है, फिर तो घोड़े से जाना तो घोड़े के ऊपर जाना है अपने, और हेलीकॉप्टर जाना तो फिर भी दिक्कत वाली बात नहीं। यस सर, यस सर, ठीक है। और ये लोग कब तक आते हैं हेल्प डेस्क वाले? ये सब खुल जाता है सुबह 9 बजे ना? 9 बजे खुल जाता है। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।